जब किसी परिवार का व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से अपने जीवन और मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझ रहा होता है और उनके परिवार के ऊपर एक संकट का पहाड़ टूटा पड़ा होता है जिसमें सारे संसाधन की कमी होती है, पैसे से लेकर के उनके नॉलेज से लेकर के, यहाँ तक करने धरने वाला कोई नहीं होता हॉस्पिटल में, और पैसे की एक किल्लत पड़ी होती है, उस समय उनके सगे संबंधी हित दोस्त रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए जाते हैं ताकि उनको लगे कि कोई सहारा है, कोई हिम्मत देने के लिए आया है। पर जिस तरीके से वो लोग आते हैं, 5-10 मिनट मिलेंगे, समाचार लेंगे और कोई ना कोई कारण लेकर के आते हैं कि आज मेरे घर पे धान की कटनी है, कोई काम है, 10 मिनट मिलेंगे और चले जाएंगे, क्या वाकई में उनको इससे हिम्मत मिलती है या मदद मिलता है? किसी को क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है उस समय? अगर आपको हिम्मत ही देना है, सहारा देना है, तो आप समय से दें उनको, पैसे से दें या कोई संसाधन उपलब्ध करा के दें या नॉलेज से दें। आप उनके उस स्थिति में अगर जितना भी पैसा आप उनको सहारा दें, 100 रुपए से लेके आप जितना भी दे दें, वो आपको जीवन भर याद रखेंगे कि इस बुरे स्थिति में किसी ने मुझे सहारा दिया। और इसी तरह हमारे रिश्ते बनते हैं। अगर आप इस समय किसी को मदद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? आप उनके लिए कर्ज ले लीजिए, वो जरूर पक्का देंगे। आप अब उस स्थिति में किसी को हेल्प कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे कर्जा लेकर के दे दीजिए, पैसे इंतजाम करके दे दीजिए, जो भी हो हाथ में ले जाकर के ये 100 रुपए पकड़ाइए और बोलिए कि मैं समझ सकता हूँ, ये स्थिति हर किसी के साथ आता है, इस समय इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हिम्मत से काम लीजिए, मेरे पास जो हो पाया मैं आपको दे रहा हूँ, आप हिम्मत मत हारिएगा, मेरे से और कुछ होगा इंतजाम मैं ला करके दूंगा। पैसे से कर सकते हैं। कई बार ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड कोई देने वाला नहीं होता है, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, टाइम से हो सकता है, हॉस्पिटल में कोई टाइम नहीं देता है। कई बार उनके रिश्तेदार में ऐसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई रहने वाला मरीज के साथ नहीं होता है, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं होता है, रिपोर्ट लाने के लिए चिल्ला रहे हैं, दवा लाने के लिए चिल्ला रहे हैं, तो आप पैसा नहीं है समय से दे दीजिए। अरे समय नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है या आपके जानकार में कोई है, नॉलेज इकट्ठा करके दीजिए उनको, फोन पे बताइए, हिम्मत दीजिए कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकता है। या हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उनके घर में कोई खाना बनाने वाला उस समय नहीं होता है क्योंकि सब लोग परेशान हैं, उनको खाना बना करके हिम्मत दे दीजिए, घर से खाना ला करके दे दीजिए, ठीक है, या फल ला करके दे दीजिए। उस बुरे स्थिति में आप जो भी करेंगे ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जीवन भर आपको याद रखेंगे। और एक रिश्ते में कुछ करने का यही वक्त होता है और उस समय जो रिश्ते बनते हैं ना, जीवन भर कोई नहीं भूलता है। मुझे याद है आज भी किसी की माँ डेथ कर गई थी और रात को मुझे 2 बजे फ़ोन किया, मैं बाइक से जा करके उसको एयरपोर्ट छोड़ा और जो भी चीज़ करना था मैंने किया, वो आज भी मुझे याद करता है और एक अपनापन सा जुड़ गया उनसे। और होना ऐसे ही चाहिए। हम लोग पता नहीं किस जाल में फंसे हुए हैं, सबको अपने अपने समय की चिंता है, किसी को ये करना है वो करना है, मतलब जीवन में अगर किसी को मदद करना है, इस चीज़ से अगर नहीं मदद किया, इस समय नहीं मदद किया, तो कब मदद करेंगे? तो मुझे लग रहा है कोई भी सगे संबंधी हित दोस्त आए, रिश्तेदार आए, तो उनको एक सहारा बने, मदद दें, ये ज़रूरी है।